बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में दाल भरे करेले बनाए थे और साथ में आप लोगों को भुजिया बनाने का तरीका भी बताना था, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आपको नहीं बता सकी, लिहाजा अभी इसको बनाते हैं। हम दाल भरे करेले बनाते हैं। तो ये जो छिलका ऊपर से उतारा था, इससे करेलों के ऊपर से हमने जो छिलका उतारा हुआ था, अब उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया हुआ है, मैंने नमक लगा कर रखा है, फिर उसे मैंने अच्छी तरह धोया। धोने के बाद अब मैंने उसे बीज डाला तेल गर्म करके और उसमें मैंने इसे डाला और इसे अब मैं फ्राई करती हूँ। इसको इतना सा फ्राई करना है कि ये कलर चेंज हो, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें हमने ये वाला अमेजा डाल देना है और फिर इसमें ये अमेजा डाल के फिर थोड़ा सा भूनना है। ये भी बड़ी मज़े की बनती है भुजिया, बच्चे बड़े शौक से इसे खाते हैं। वही करेलों वाला मसाला जो है वो बचा हुआ था, मैंने रखा है और वही वाला अपने आप इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर तक 5-10 मिनट के लिए हम इसे 5 मिनट के लिए इसे हम भूनते हैं और जब इनका कलर चेंज होगा फिर हम उसमें। अब ये देखें, इसका कलर ब्राउन हो गया है और ये फ्राई हो गए हैं और अब ये हम इसमें मसाला जो है ऐड करते हैं। ये वाला भी मसाला हम इसमें सारा का सारा ऐड कर देते हैं अच्छे तरीके से। मज़ेदार एक डिश आपकी तैयार हो जाएगी। इस तरह हमारी कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होती और हमारी डिश भी बन जाती। हमें इसे तकरीबन 5-6 मिनट हो गए पकाते हुए और ये देखिए इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और साइडों से भी ये छोड़ रहा है। मतलब ये कि हमारा मेजा जो है ना भुना गया है। ये दाल तो पहले ही हमने बॉयल की हुई थी और काफ़ी मेजा भी सारा टॉक करके डाला है। लिहाजा ये हमारा जो है ये डिश तैयार हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। देखने में भी बहुत मज़े की दिखाई दे रही है और खाने में भी मज़े की वो दे रही। हम थोड़े लगा देते हैं ऊपर। जी, ये आपकी करेले की और दाल की भुजिया तैयार है और आप इसे खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।